तो उसने प्रॉपर नक्का बना के दे दिया, एकदम छुटा छुटू के ना सारा को साफ सुफ करके पूरा एकदम मस्त नया पिस्टन है। और ये जो मोटरसाइकिल है आओ पास आओ मैं दिखाता हूँ जरा। देखो भाई ये मैंने नक्का वेल्डिंग किया था इसका, ठीक है। ये जो नक्का हमने वेल्डिंग किया था ये बिल्कुल एकदम सूखा हो रखा है, एकदम ड्राई है और कहीं से कोई लीकेज नहीं हो रही, एकदम परफेक्ट है। अभी इसकी वॉशिंग होगी। कारोटर कस्टमर ने नया डलवा लिया, क्योंकि कस्टमर को मैंने बोला था कारोटर डलवाने के लिए, भैया ने कारोटर नया डलवा लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसकी वजह से गाड़ी का इंजन के जो परफॉर्मेंस है बहुत इनहेंस हो गई होगी। राइट नाउ ये देखो सेंसर वगैरह के बाहर निकले हुए, क्योंकि गाड़ी BS6 थी, ये BS4 हो गई है, ठीक है। यहाँ से हल्की सी सील है ना, तो इस बोल्ट को हम इसकी जो ऑयल रिंग है फिर से चेंज कर देंगे, किसी ज्यादा नहीं है। इसके अलावा तो उस साइड चलते हैं, उस साइड देखते हैं। वैसे साइड से लीकेज बिल्कुल भी नहीं है, ये क्लियर हो गया। यहाँ से लीकेज होती है, यहाँ से बहुत ज्यादा, तो यहाँ से भी कोई लीकेज वगैरह नहीं हो रही है, ठीक है। ये भी लीकेज वगैरह बिल्कुल बंद हो गई है, मतलब इंजन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और स्टार्ट करके एक बार साउंड सुनते हैं इसका, देखते हैं एक बार इसको। तो गाड़ी चाबी लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं गाड़ी, सेल्फ गाड़ी में नहीं है इसमें, स्टार्ट करके देखते हैं इसके इंजन का साउंड। साउंड बिल्कुल ठीक है इसका। जब ये गाड़ी आई थी ना इसमें तबले बज रहे थे बहुत ज़्यादा। दो तीन क्लाइंट हैं खड़े हुए, मैं उनसे पूछ रहा हूँ अभी। राइट ना उसका साउंड हल्के से टैपेट आवाज कर रहे हैं, हल्के से एकदम नाम मात्र। 500 किलोमीटर की जर्नी में ना टैपेट लूज हो जाते हैं बड़ी चीज़ में, अंदर लगा के टैपेट सेट करेंगे इसकी, और इसकी ऑयल वगैरह को खोल के देंगे ऑयल कितना निकला इसका। गाड़ी धुआं भी नहीं दे रही है बिल्कुल भी, धुआं भी नहीं दे रही है। इसका प्लग देखना है मुझे, प्लग कैसा है इसका, गीला प्लग तो नहीं है, काला तो नहीं है, मतलब एकदम वाइट प्योर वाइट प्लग होना चाहिए। तो अंदर लगाते हैं फटाफट। तो भाई इंजन ऑयल तो उसका पूरा निकल गया है, इसका जो इंजन ऑयल है ये निकला है हमारा 800 ml, 800 ml, मुझे 850 ml निकला है, 900 ml ऑयल इसमें डलता है और साथ में ऑयल ट्रीटमेंट डलता है उसका। बट गाड़ी जब ऑयल निकालते हैं तो 50 ml या 60 ml अंदर ही रह जाता है, तो ऑयल बिल्कुल पूरा निकला है, 850 ml से ज़्यादा निकला है ऑयल, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा बारीकी से, ये देखो भाई इसका पूरा नेट ऑयल निकला है 850 ml, ये देखो 850 ml, ठीक है। 850 से ज़्यादा ही है, 900 को टच कर रहा है ये, ठीक है। इस गाड़ी में 900 ml ऑयल डलता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक और मुद्दे की, जब कभी कस्टमर बाहर कहीं कारोटर डलवाता है तो उस मैकेनिक, जो मैकेनिक बाहर कारोटर डाल रहा है, हमने नहीं डाला सर कारोटर, हमने पुराने कारोटर गाड़ी सेट कर दी थी, कस्टमर बोला था भाई बाहर कारोटर डलवा लेना आराम से। अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि जब भी कोई कस्टमर गाड़ी में कारोटर डलवाता है बाहर या कहीं भी किसी भी जगह एजेंसी वगैरह में, तो उस मैकेनिक के, जिस मैकेनिक से डलवा रहा है, उस मैकेनिक के मन में ये होना जरूरी है कि नए कारोटर को डालने से पहले ना ये चीज़ क्लियर करना जरूरी है कि उसको ट्यूनिंग आती नहीं आती। मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे, मैं मेरी दुकान में कुछ चेला है, उसको कारोटर से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, मैंने उसे नया कारोटर पकड़ा और बोला डाल दे, तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका होता है कारोटर डालने का। सबसे बढ़िया तरीका होता है कारोटर डालना और गाड़ी की परफॉर्मेंस चेक करना कि गाड़ी के कारोटर डालने के बाद परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। तो इसका प्लग खोल के देखते हैं और इसका देखते हैं पता लगेगा प्लग खोल के। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कारोटर बाहर डलवाया है, ट्यूनिंग अच्छी होगी तो अच्छी बात है। देखो ट्यूनिंग नहीं हुई है गाड़ी की, ट्यूनिंग ना होने की वजह से प्लग काला निकल रहा है और एवरेज बिल्कुल नहीं दे रही गाड़ी राइट नाउ, क्योंकि हमारे पास अगर कारोटर लगता तो हम इस गाड़ी की ट्यूनिंग सही करते हैं और इसका प्लग एकदम वाइट कर देते, प्योर वाइट। तो अभी राइट नाउ हम क्या करते हैं, प्लग दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये देखो इसका प्लग कैसा निकला है, देख लो ये प्लग है इसका, इस कंडीशन में प्लग निकला है इसका। अब ये कंडीशन ऐसी जब होती है जब गाड़ी की कारोटर की ट्यूनिंग नहीं होती है। अभी राइट नाउ अगर इस गाड़ी के अंदर प्लग पे ऑयल आता, बहुत ज़्यादा ऑयल, एकदम बेकार ऑयल आता, तो इससे पता लगता कि गाड़ी ऑयल खा रही है। पर राइट नाउ इस गाड़ी का पूरा प्लग एकदम ड्राई है, सूखा है। अब इस प्लग की हम सफाई करेंगे, सफाई किस तरीके से करनी है बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ आप सफाई करना। ये हमारी मशीन है प्लग साफ करने की, बहुत ज़्यादा गंदा है, ठीक है ना। अब इसको साफ करते हैं हम, प्लग साफ हो जाएगा तो हम इस प्लग को लगाने के बाद इस गाड़ी की ट्यूनिंग करेंगे। हमारा प्लग एकदम क्लीन, ये देखो एकदम प्लग एकदम क्लीन हो गया हमारा, देख लो। मशीन होना बहुत ज़रूरी है। अब इस प्लग को हम फिट करते हैं गाड़ी के अंदर, और प्लग फिट करने से पहले हम प्लग पे एयर लगाएंगे ताकि एयर से गंदगी साफ हो जाए। इस एयर को हमने यहाँ मार लिया, इतनी गंदगी की वजह से एयर हम थोड़ा हल्का सा यहाँ मार लेते हैं, तब बहुत है। और उसके बाद हम करेंगे अब इस प्लग को फिट करते हैं और प्लग फिट करने के बाद इस गाड़ी की ट्यूनिंग करेंगे। पर उससे पहले हमें चेन क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, हमने लास्ट टाइम इसकी चेन क्लीन करी थी। चेन क्लीन हम TT ऑयल से या डीजल से करते हैं, और अगर लगता है TT ऑयल डीजल की दिक्कत है तो हम पेट्रोल के अंदर ऑयल मिक्स करके उससे चेन क्लीन कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत आती नहीं है अगर आप पेट्रोल में ऑयल मिक्स कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको चेन की कंडीशन दिखाता हूँ, इसकी की कंडीशन है ये देखो जरा। अगर हम इसके अंदर ये देख लो, ये पूरा चेन एकदम बढ़िया तरीके से चेन एकदम चल रही है, ये चेन एकदम क्लीन हो रखी है पहले से ही, फिर भी हम इसको दोबारा क्लीन करेंगे ताकि जंग वंग जो हल्की बोली लगती है वो सही हो जाए। क्योंकि पिछली बार जब गाड़ी आई थी तो चेन में काफ़ी जंग लगी हुई थी इस टाइप को, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये जंग दिख रही है आपको, हल्की हल्की जंग, ये जंग ज़्यादा लगी हुई थी पिछली बार, पर इस बार कम हो गई है। हम इसको पूरा डीजल से क्लीन करेंगे इससे, और उसके बाद इसे क्लीन करने के बाद इसे ल्यूब्रिकेशन करेंगे, ठीक है। इसका फिल्टर खोलते हैं, ये खोलते हैं, ऑयल डालते हैं और इसकी एंड में ट्यूनिंग करते हैं।
ट्यूनिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? तो फटाफट से ये सारे काम करके फिर मुलाकात करते हैं। भाई सबसे पहले तो यार ट्यूनिंग करनी है, भाई सारा काम हो गया है। ट्यूनिंग करने से पहले मैं दो चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। ट्यूनिंग करने से पहले हमें बीसी स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। बीसी स्क्रू होता है स्लाइड का स्क्रू, आओ मैं दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखो, जब भी हम नया कार्बोरेटर लेते हैं तो नए कार्बोरेटर में नए कार्बोरेटर के हिसाब से ट्यूनिंग हो के आती है। बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अगर एक पुरानी गाड़ी में कार्बोरेटर डाल रहे हो और एक नई गाड़ी के कार्बोरेटर की शूटिंग सेटिंग को सोच रहे हो तो वो गलत है। आपको पुराने कार्बोरेटर के पुराने इंजन को लेकर नए कार्बोरेटर से ट्यूनअप कराना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम इस वाले स्क्रू को टाइट कर देंगे इस तरीके से, ऐसे करके। पर अभी नहीं करेंगे, स्टार्ट करने के बाद करेंगे। इसको टाइट करने से होगा क्या, जिसकी स्लाइड होती है ना, इसके अंदर की स्लाइड होती है वो उड़ जाएगी। उठने से पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से गाड़ी का फ्लो बढ़ जाएगा, गाड़ी के आरपीएम बढ़ जाएंगे। अब उस बढ़े हुए आरपीएम में हमें इस वाले स्क्रू को टाइट करना है। मान के चलो हमने इस वाले स्क्रू को हमने 2000 आरपीएम से सीधे टाइट करके 4000 आरपीएम पहुंचा दिया। मतलब ये मान लो 4000 आरपीएम पहुंचा दिया। अब इस 4000 आरपीएम पे हमने स्क्रू को टाइट करा, इस तरीके से टाइट करा और बिल्कुल जीरो आरपीएम पे कर दिया, मतलब वो एक तरीके से 1000 आरपीएम पे कर दिया। तो हमें इसको जब तक खोलना है, जब तक उस 4000 आरपीएम पे रुके हुए स्क्रू को हमने कम से कम 5000 आरपीएम तक नहीं पहुंचा दिया। बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है? उसके बाद बताऊंगा। पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूं और वापस से स्क्रू को पीछे की तरफ कर देता हूँ, मैं इस तरीके से ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? ये बढ़िया रहेगा। और ये मैं क्यों बताया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये होता है पीतल का एयर स्क्रू और ये होता है बीसी स्क्रू, ये होता है स्लाइड वाला स्क्रू। स्लाइड जितनी डाउन होगी उतनी ज़्यादा गाड़ी में पेट्रोल की मात्रा कम रहेगी। एयर स्क्रू जितना ज़्यादा एयर ओपन हो रहेगी उतना ज़्यादा गाड़ी का ना एयर ज़्यादा जाएगी। पर यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, पेट्रोल कभी फिक्स नहीं, मतलब कम नहीं या कभी ज़्यादा नहीं होता। एयर को हमें कम ज़्यादा करना पड़ता है। एयर कम ज़्यादा जब भी हो पाएगी जब हम अपने पेट्रोल के स्क्रू को सेट करेंगे, ठीक है? तो ये अगर हमने पेट्रोल का स्क्रू ज़्यादा टाइट कर दिया और एयर स्क्रू को सेटिंग कर दी तो गाड़ी हमारी ओवररेस करेगी। ओवररेस मतलब पेट्रोल फिर भी ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए हमारा एयर स्क्रू सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो एयर स्क्रू को सेट करते हैं, बीसी स्क्रू को टाइट करते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ वो क्या है। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अभी आरपीएम बढ़ा दूंगा मैं, आओ पास आओ दिखाता हूँ मैं। ये देखो अभी आरपीएम कितने कम है इसके, ठीक है? अब मैं इसके आरपीएम बढ़ा दूंगा। ये देखो मैंने आरपीएम बढ़ा दिए और ये मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, हल्के कम कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये है टैकोमीटर। यहाँ पर लगाऊंगा टैकोमीटर में। अभी देखो अभी दिखा रहा है ये, कुछ नहीं दिखा रहा। अभी देखो पास करूँगा तो दिखाने लगेगा। ये देखो कितना है, ये देखो दिखा रहा ना, ये 4000, 8000, 9000, ये देखो 5200, 5000। मतलब आरपीएम हमारे 5000 से ऊपर है। हमारे इस स्क्रू के टाइट करने पर आरपीएम 5400 के आसपास है। अब हम इस स्क्रू को टाइट करेंगे और आरपीएम को वापस 6000 के आसपास लेके जाएंगे, ठीक है? इस स्क्रू को टाइट कर देते हैं हमने टाइट किया स्क्रू को, इससे हमारे आरपीएम कम हो गया। अब इसको जब तक खोलेंगे जब तक गाड़ी के आरपीएम बढ़ते नहीं है। आपको कम कम खोलना, आराम आराम से खोलना, इस तरीके से खोलना कि पता नहीं लगना चाहिए कि खुल रहा है आरपीएम, जो एयर स्क्रू वो खुल रहा है, ठीक है ना? हमें बढ़ाते रहना है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप खोल रहे हो उसको आरपीएम कम हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस समय रुक जाना है थोड़ी देर के लिए, करीबन 10 सेकंड के लिए, 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए रुक जाना है। फिर उसके बाद दोबारा खोलना है आपको, जब आपको लगे नहीं आप नहीं बढ़ रहे आरपीएम तो वहीं पर आपकी एवरेज सेट हो जाएगी, मतलब एक तरीके से ट्यूनिंग हो जाएगी। तो फाइनली हमारी गाड़ी की ट्यूनिंग हो चुकी है। अब ट्यूनिंग करने के बाद हम इसको इस तरीके से देखेंगे। देखो आरपीएम बिल्कुल तुरंत डाउन हो गए। अगर आरपीएम तुरंत डाउन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो उसका मतलब आपकी गाड़ी ओवररेस कर रही है। आरपीएम इंस्टेंट डाउन होनी चाहिए, इंस्टेंट तुरंत एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ट्यूनिंग हो चुकी है परफेक्ट एकदम। अब प्लग को देखते हैं, 500-1000 किलोमीटर की सर्विस पे आएगी तो पता लगेगा, पर उससे पहले मैं 100 किलोमीटर पर बोलूँगा इनको प्लग चेक करने के लिए। तो फटाफट से गाड़ी बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं और गाड़ी को कस्टमर को डिलीवर करते हैं।